वेलकम टू बनारसी भोज। आज हम बनाएंगे पास्ता के समोसे। आलू के समोसे तो आपने बहुत बार खाए होंगे, लेकिन ये एकदम डिफरेंट है और बच्चों के फेवरेट होते हैं। टिफिन के लिए ये एक परफेक्ट स्नैक है, या आपके घर पार्टी हो तो उसके लिए भी आप स्टार्टर के तरह बना सकते हैं। जिसके लिए आप पास्ता चाहें तो पहले से भी बना कर रख सकते हैं। यहाँ पर हमने अपनी सारी प्रिपरेशन कर ली है, आप देख सकते हैं। और सबसे पहले हम पास्ता को बॉईल करने के लिए रखते हैं। जब तक पास्ता बॉईल होगा तब तक हम अपना समोसे का डो तैयार कर लेंगे, क्योंकि डो को रेस्ट होने के लिए हाफ एन आवर चाहता है, जिससे कि समोसे और खस्ता बनते हैं। पानी में हमने थोड़ा सा ऑयल और सॉल्ट डाल के उबाल लिया है, और इसमें हम अब अपना पास्ता डाल के उबाल लेंगे। पास्ता को उबलने में 5 से 10 मिनट लगता है। पास्ता एक तरफ उबल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पास्ता लगभग हो गया है, और इनको गर्म पानी से निकाल के तुरंत ठंडे पानी में डाल लेते हैं। इससे पास्ता आपस में चिपकेंगे नहीं। और अब हम अपने डो में मैदा लिए हैं। मैदा में थोड़ा सा नमक मिलाएंगे और थोड़ा सा ऑयल। ऑयल डाल के अच्छे से मैश कर लीजिए। 2 कप मैदे में हमने 1/4 कप ऑयल यूज़ किया है। इसके बाद हल्का गर्म पानी से हम अपने डो को सान लेंगे। अपने डो को खूब अच्छे से स्मूथ करके रेस्ट करने के लिए रख दीजिए। अब हम एक तरफ हम अपना बॉईल किया हुआ पास्ता को तैयार कर लेंगे, जिसके लिए हमने सब्जियों को पहले से धो के काट के रख लिया है। पैन में थोड़ा सा ऑयल और बटर डालें, उसके बाद हम अपनी चॉप की हुई वेजिटेबल को डाल के स्टर करते हैं। सब्जियों को ओवरकुक ना करिएगा। एक बार सौते करके हम इसमें अपना सॉस, टोमेटो केचप, सोया सॉस और चिली सॉस डालते हैं। चिली सॉस ऑप्शनल है, अगर आपके बच्चे खाते हो तो आप डालिए, वरना नहीं। फिर हल्का सा सॉल्ट और पेपर डाल के मिला लें। अब इसके बाद हम अपना पास्ता डाल के मिला लेंगे। ये ध्यान रखिए कि पास्ता हमारा बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, वरना समोसे अच्छे नहीं बनेंगे। यहाँ पे हमने मैगी मसाला यूज़ किया है। आप नॉर्मली पास्ता जैसे भी बनाते हो आप बना सकते हैं। पास्ता अब रेडी है। हम इसको निकाल के थोड़ा ठंडा कर लेंगे। पास्ता ठंडा हो चुका है और हमारा डो भी अब स्मूथ हो गया है। हम छोटे छोटे बॉल बना लेंगे, और उसके बाद हम अपने बॉल को ओवल शेप में बेल लेते हैं। ओवल शेप में इसलिए बेलते हैं क्योंकि समोसे को भरने में आसानी रहती है। और इसके बाद उसको बीच से कट कर देंगे। इस तरह हमने अपने बॉल को बेल के कट करके रख लिया है, और अब हम उसको स्टफ करेंगे। चीज़ को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और अब मैदा और पानी का 1 चम्मच मैदा और 1 चम्मच पानी का हमने एक घोल बनाया है, जो कि एक चिपकाने के काम में आता है। अब थोड़ा सा पास्ता और चीज़ डाल के हम अपने समोसे को स्टफ कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने स्टफ करके रख लिए हैं समोसे, और एक तरफ घी गरम करने के लिए रखा है। घी का टेम्परेचर चेक करने के लिए एक छोटी सी लोई डालें, वो ऊपर आ जाए तो तैयार है।
और इसके बाद हम समोसे में टूथपिक की मदद से एक पिंच करते हैं। ऐसा करने से समोसे घी में खुलते नहीं हैं। समोसे के अंदर जो एयर बनती है गर्म होने पे, वो एयर निकल जाती है और समोसे उसके कारण खुलते नहीं हैं। और हम अब पलट के इनको चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन तल लेंगे। घी मीडियम फ्लेम में रखिएगा, बहुत हाई फ्लेम में करने से समोसे कच्चे रह जाते हैं और खस्ता नहीं बनेंगे। हमने मीडियम फ्लेम में ही समोसों को फ्राई किया है और अब देखिए इनका कलर कितना अच्छा आया है। हम इनको एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं। समोसे हमारे तैयार हैं सर्व करने के लिए। गर्मा गर्म समोसे आप इंजॉय करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।